अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 610 के लेसन नंबर 1 को, न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसमें पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे अमल, हमारे बिहेवियर को करने में दिमाग का क्या किरदार है, इसमें कौन कौन से मेथड शामिल हैं जिनके ज़रिए हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ब्रेन इज़ अ मास्टर माइंड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। न्यूरोसाइंसेस या बिहेवियरल न्यूरोसाइंसेस की डेफिनेशन है कि ब्रेन की मेथोडोलॉजीज़ को देखते हुए बिहेवियर को स्टडी करना, ब्रेन की मेथोडोलॉजीज़ को, ब्रेन के अंदर होने वाले फंक्शनिंग को देखते हुए बिहेवियर को स्टडी करना बिहेवियरल न्यूरोसाइंसेस कहलाता है। देर आर मैनी वेज ऑफ लुकिंग एट द ब्रेन बिहेवियर इंटरेक्शंस। पहला है डिस्क्रिप्टिव। इसमें हम देखते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है। इसमें हम ब्रेन के अंदर के प्रोसेसेस को स्टडी नहीं करते। आगे है कंपैरेटिव एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इसमें हम मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान ब्रेन के फंक्शंस को कंपेयर करते हैं, ब्रेन में होने वाली तब्दीलियां एक स्पीशीज़ के बिहेवियर में क्या तब्दीलियां लाता है। डेवलपमेंटल ओवर लाइफ स्पैन। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एज में इजाफा होता है, ब्रेन में तब्दीलियां आती जाती हैं। इसकी स्टडी को स्टडी ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है, मतलब कि ब्रेन में आने वाली तब्दीलियों को जो हम कहते हैं एवोल्यूशनरी स्टडी भी कहते हैं इसको। एक्सपेरिमेंटल और नेचुरल स्टडीज़। स्टडी ऑफ ब्रेन इन लैब विद प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। और नेचुरल स्टडी क्या है कि माहौल में फील्ड लेवल पर बगैर किसी चीज़ में चेंजेस के ब्रेन की फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करना नेचुरल स्टडीज़ कहलाता है। मोलर एंड मॉलिक्यूलर। स्टडी ऑफ सिंगल न्यूरॉन इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर और स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इज़ कॉल्ड मोलर लेवल स्टडी। रेंज ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले सिंपल बिहेवियर, खाना पीना, सोना जागना वगैरह आते हैं। इसके बाद कम्प्लेक्स, सोचना समझना वगैरह आते हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमारे बिहेवियर जो हैं वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। न्यूरोसाइंसेज का पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रेन की मेथोडोलॉजीज़ को देखते हुए बिहेवियर को स्टडी करना न्यूरोसाइंसेज कहलाता है। इश्यूज़ इन न्यूरोसाइंसेज के इश्यूज़, पहले जो है लोकलाइजेशन है, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स या ब्रेन के पार्ट्स किस तरह, किस जगह पर मौजूद हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, अकेले काम करते हैं या दूसरे पार्ट्स के साथ मिलकर काम करते हैं, इसको लोकलाइजेशन कहते हैं। आगे पोटेंशियलिटी, यानी कि हम ये देखते हैं कि क्या तमाम पार्ट्स ऑफ ब्रेन एक जैसी कैपेबिलिटी रखते हैं या कुछ का किरदार जो है वो ज़्यादा अहम है और कुछ का कम। नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर और नर्चर की बात करें तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे इन बॉर्न खसूसियात जो होती हैं वो नेचर और जो माहौल की वजह से बंदा सीखता है वो नर्चर कहलाती हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इन बॉर्न और जो माइंड के अंदर ऑलरेडी मौजूद खसूसियात होती हैं उनका, और नर्चर जो है जो ब्रेन के अंदर इंसान का दिमाग जो है माहौल की वजह से तब्दीलियाँ जिस होती हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक है। बोथ नेचर एंड नर्चर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिवेलपमेंट। मोलर एंड लेवल एंड मोलिकुलर लेवल मैंने आपको पहले बता दिया। बिहेवियरल न्यूरोसाइंसेज, इसकी भी डेफिनेशन पहले बता चुका हूँ आपको, दो दफ़ा रिपीट हो चुकी है। हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ ब्रेन साइंसेज। हिपोक्रेट्स ने कहा था जो ब्रेन है ये सेंटर है हमारी सेंसेशन, हमारी थॉट्स, इमोशंस और जजमेंट का। मुस्लिम कंट्रीब्यूशन में मुसलमान साइंटिस्ट ने सबसे पहले ब्रेन के अंदरूनी पार्ट्स को स्टडी किया। उन्होंने ब्रेन की एनाटॉमी बयान की। उन्होंने स्कल को उमुल दफा का नाम दिया, स्कल को उमुल दफा यानी कि हार्ट प्रोटेक्टिव कवर का कवरिंग का नाम दिया, और इनर कवरिंग को उन्होंने फ्रेगाइल मदर का नाम दिया। फ्रांस गुल ने फ्रिनोलॉजी का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि दो हेमिस्फीयर्स होते हैं ब्रेन के अंदर जो कि कॉर्पस कैलोसम के साथ की मदद से जुड़े होते हैं। फ्लोरेंस ने बताया कि ब्रेन के डैमेज होने से फंक्शनिंग पर क्या असर पड़ता है। पॉल ब्रोका ने, उन्होंने हमारे माइंड के अंदर मौजूद एक स्पीच सेंटर को आइडेंटिफाई किया जिसे ब्रोका एरिया कहा जाता है। जैक्सन ने जो है आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव, उन्होंने जो है एपिलिप्सी को भी एलैबोरेट किया था। एपिलिप्सी कहते हैं मिर्गी को।
आगे है वर्निक्स, इन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि हमारी रिसेप्टिव स्पीच हमारा ब्रेन का एक पार्ट टेम्पोरल लोब जो है वो कंट्रोल करता है। गैजनिगा स्पेरी, गैजनिगा और स्पेरी ने नोबल प्राइज़ जो है अडॉप्ट किया था, इनको नोबल प्राइज़ मिला था अपने काम की वजह से। और उसके अलावा कह रहा है कि इनको लेशली और हैब आर नोन एज द फादर्स ऑफ बिहेवियरल न्यूरोसाइंसेस, रूट्स ऑफ बिहेवियरल न्यूरोसाइंसेस, इट इज़ एमर्ज्ड फ्रॉम फिज़िक्स। फिज़िक्स से हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशंस का मेथड आता है जिसके ज़रिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए और न्यूरल साइंसेस को ग्रो करने में मदद मिली। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं जिन्होंने बिहेवियरल न्यूरोसाइंसेस के मुतालिक एक्सपेरिमेंट किए थे, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यूअर, ये था आपका आज का लेसन PSY 610 का लेसन नंबर 1। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।